आई एम शबाना वेलनेस एंड ब्यूटी से। आज मैं आपको बताऊंगी घर पे ही आप एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं। तो उसके सबसे पहले हम लेंगे कि एक एलोवेरा लीफ, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके हम साइड के कॉर्नर से कट करेंगे। मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। उसके बाद आपको ये ऊपर का हिस्सा निकालना है। और फिर आपको इसे छोटे छोटे कर्ट्स मारने हैं इसमें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मैंने सारा जेल निकाल लिया है, उसको अभी हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। आपको बहुत देर तक, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए मिक्सर को घुमाना है, नहीं तो ये बहुत वाटरी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने उसको ऐसे किया है। अब उसमें मैं एक बाउल लूंगी, बाउल में डालूंगी। अब देख सकते हैं मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। उसके बाद हम विटामिन ई की 2 कैप्सूल डालेंगे इसमें। ये डालने से, विटामिन ई की कैप्सूल डालने से इसके बेनिफिट और बढ़ जाते हैं और आपको बहुत ही इफेक्टिवफुल रेमेडी मिलती है। और विटामिन ई की मैंने 2 कैप्सूल लिए, अभी हम वो 2 डालेंगे। मैंने 2 विटामिन ई कैप्सूल डाला है इसमें। उसके बाद हम 1 पिंच फूड कलर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, ना यूज़ करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे डाला है। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। फूड कलर आप टोटली ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। आप इसको स्कीप भी कर सकते हैं और आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको एक प्लास्टिक की, मेरे पास खाली बॉटल है, उसमें मैं डालूँगी। आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा ये एलोवेरा जेल हमारा घर पे तैयार हो गया है। और आप इसको, मैं अपने हाथों पे इसे लगा के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हैंड्स में फ़र्क, दोनों हैंड्स में आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। शायद कैमरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट गाइस बहुत अच्छी रेमेडी है। मार्केट में आपको 100 रुपीज़ के ऊपर ही मिल जाएगा या 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। घर पे आप बहुत इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी। Thank you.